देश भर के साथ जम्मू कश्मीर में गुरुपुरब बड़े जोश के साथ मनाया गया। वहीं जम्मू के गुरुद्वारों में गुरुपुरब के चलते आज बड़ी भीड़ देखने को मिली। नगर के गुरुद्वारा चट्ठे पातशाही में एक मेगा समारोह आयोजित किया गया था। गुरुद्वारा में एक भव्य लंगर भी आयोजित किया गया था। श्रीनगर नगर निगम ने जहां शहर की सड़कों पर सफाई के लिए विशेष व्यवस्था की थी, वहीं ट्रैफिक पुलिस ने गुरुद्वारा की ओर जाने वाली सड़कों पर खास इंतजाम किया हुआ था। सिख समुदाय के लोगों की खासी भीड़ गुरुद्वारा में देखी गई, जहां विशेष सभा और कीर्तन का आयोजन भी किया गया था। वहीं आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुपुरब के मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई दी और फिर एक मीडिया को संबोधित करते हुए नए कृषि कानून की वापसी पर कहा, प्रयासों के बावजूद सरकार किसानों के एक वर्ग को नहीं मना पाई। इस पवित्र दिन पर प्रधानमंत्री ने देश को आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में इन कानूनों को खत्म किया जाएगा और गुरुओं के प्रति उनकी अपार श्रद्धा को दिखाता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय ने मानवता की सेवा की परंपरा गुरुओं के आशीर्वाद से बढ़ चढ़ करके इस काम में हिस्सा लिया है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूं, उस पर लोगों की राय अलग अलग है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि 2014 के बाद चाहे वो MSP का इंक्रीज हो या प्रोक्योरमेंट, अगर आंकड़ों की बात आप करेंगे तो मुझे लगता है कि इसके पूर्व न MSP इतनी थी न प्रोक्योरमेंट इतना होता, लेकिन कोशिशों के बावजूद किसानों एक वर्ग को सरकार समझा नहीं पाई और आज के इस पवित्र दिन पर सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया है कि आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में इन कानूनों को रिपीट कर दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा का सम्मान करना ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। वो काम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, एक ज्ञापन मुझे भी यहाँ दिया गया। मुझे लगता है कि इस पवित्र पर्व पर ज्ञापन की चर्चा करना बहुत मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन जो बात मैंने पिछली बार दोहराई थी पंजाबी को लेकर के जो आपकी भावना है, उस भावना से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है पंजाबी के विकास के लिए और जो आपकी इच्छा है वो आने वाले समय में पूरा हो इसकी जरूर कोशिश की जाएगी। यहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, दुखद घटना हुई है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ इस तरह की घटनाओं में कोई बख्शा नहीं जाएगा। और भी कुछ बातें हैं, कभी मिलकर के 2-3-4 दिन बाद जब आप कहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से हम चर्चा कर सकते हैं।